नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में और यहाँ पर डेली और वीकली व्यू, डेली और वीकली व्यू के बारे में हम लेवल के हिसाब से बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट है, ठीक है। अभी जो पिछली वीडियो में हमने, पिछली वीडियो मतलब इससे कई, आप देख सकते हो मेरे चैनल्स पे, जो पिछली वीडियो में हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन की बात की, तो यही लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ। और यहीं से जो एक प्राइस एक्शन में जो ऊपर की तरफ मतलब ये जो रिजेक्शन आया था इस लेवल से, तो अभी तक यहीं से रिजेक्शन ही है और अपसाइड में मार्केट वही से मोमेंट जो अपसाइड में कर रहा है। जैसे देख रहे हो यहाँ पर कि हमें अपसाइड इस तारीख से हुआ था कंफर्मेशन, जैसे 27 मई से, क्योंकि यहाँ पर इस अलर्ट जोन में यहाँ पर इस कैंडल का हाई के ऊपर ये सस्टेन कर पा रहा है और यहीं से प्राइस दिन अपसाइड में मोमेंट देना शुरू हो गया है। और कंटिन्यूसली यहीं से जाने के बाद आप देख सकते हो कि अगस्त महीने में हमें एक बार ये लेवल्स हमारे चेंज हो गए थोड़े, जो अपसाइड जो सप्लाई जोन था तो वो अभी वो एडजस्ट होकर नीचे की तरफ आ गया है। और यहाँ से हमें एक अपसाइड, फुल्ली अपसाइड डायरेक्शन हो गया। हम अब फुल्ली अपसाइड कब कहते हैं कि मार्केट अगर इस जोन के ऊपर, सप्लाई जोन के ऊपर जाए तो मार्केट एक कंटिन्यू अपसाइड में, स्ट्रांगली अपसाइड बोलेंगे हम। और जब भी डिमांड जोन के नीचे रहेगा तब एक स्ट्रांग डाउन साइड करेंगे, ठीक है। अभी ये जो लेवल नीचे की तरफ आया है, जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। ये तो रजिस्टर मार्क करेंगे हम, ये तो हमारा मतलब जो रजिस्टर, तो ये मार्क हो गया यहाँ तो मार्केट में। अभी ये जो फ्यूचर के लिए रेजिस्टेंस तो मार्क हो गया है, ये तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये तो ब्रेक होगा ही। जैसे कि आप देख रहे हो कि 32,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस अभी ये मार्क हो गया है फ्यूचर के लिए। तो अभी क्या है, अभी मार्केट यहीं पर जाने वाला है क्या? नहीं। तो मार्केट अभी क्या करेगा, फिर से अभी जो रैली दिखा है तो फिर से एक बार नीचे की तरफ आएगा ना, जैसे मार्केट स्विंग हाई लो बना के जो चलती है। तो अभी यहाँ पर हमें सपोर्ट जोन क्या दिख रहा है डेली चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी में 21,900 का है और 21,400 का है। ये जो हमारा जो सप्लाई जोन था, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब ये जो डिमांड जोन की, मतलब डिमांड जोन कौन सा है, डिमांड जोन हम इसको कहेंगे, लेकिन ये सप्लाई जोन था तो ये कन्वर्ट हो गया, अभी सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो अभी ये जो लेवल है इसके ऊपर ज़्यादा देर टिकेगा क्या मार्केट? ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। तो फिर से एक बार ये सपोर्ट के आसपास आता था, अभी इसका जो सपोर्ट लेवल तैयार हो गया है, जो रेजिस्टेंस था पहले, तो ये फिर से एक बार इस जोन के आसपास 21,900 के आसपास आने की कोशिश करेगा ही बैंक निफ्टी। ये डेली का है। अगर हम इसको चार्ट, इसी चार्ट को अगर हम वीकली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वीकली में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि ये जो जोन था डिमांड, सॉरी सप्लाई जोन, तो ये अभी इसके अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ तो नहीं आया है, जिससे कि हमारी प्रेडिक्शन यहाँ से जो डिमांड जोन था वो थोड़ा सा हमें अपसाइड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट अपसाइड में जा रहा था। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी इसके नीचे रहेगा, या ये जो जोन बड़ा जोन मार्क हुआ है, कौन सा जोन है, 21,900 का, हमें निफ्टी सॉरी डेली चार्ट में भी हमने 21,900 का लेवल मार्क किया था, इसके आसपास ये आने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक अलर्ट जोन के यहाँ पर इसने हमें बताया था सिग्नल की हमें एक अपसाइड डायरेक्शन होने वाली है। तो अपसाइड अभी यहाँ तक ये इस तरह जाएगा क्या? नहीं, थोड़ा सा एक रुके का भी। और यहाँ पर एक जो मोमेंट होने वाला है दोस्तों, तो वो नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे ये लेवल था, ये फिर से एक बार नीचे की तरफ आया था इस यहाँ तक, ठीक है। और इसने फिर से एक बार यहीं से ये जो जोन के आसपास फिर से एक बार ये यहाँ तक आया है, और यहीं से हमें फिर से एक बार नीचे की तरफ आने के बाद, ये देखिए मार्केट किस तरह मूवमेंट कर रहा है, अपसाइड अपसाइड बना के चल रहा है। तो अभी एक बार फिर से यहाँ तक ज़रूर आएगा। तो हमने डेली और वीकली के हिसाब से हमारा 21,900 का लेवल मार्क किया है, तो यहीं तक आने की वो कोशिश करेगा। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी का। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर बताऊंगा आपको।
निफ्टी में देखिए, निफ्टी में ये वीकली का चार्ट है, ठीक है। वीकली में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमें एक इस लेवल से रिजेक्शन मिला था नीचे की तरफ से, तो मतलब कंफर्मेशन हो गया था। फिर से एक बार अपसाइड, यहाँ पर एक बार लो, यहाँ पर एक बार फिर से अपसाइड इस कैंडल के ऊपर, और ये अभी तक यहाँ तक आ गया है। अभी यहाँ तक आने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो हमारा जो सप्लाई जोन था, क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक लेवल है हमारे 11,088888 का, ये जो लेवल है यहाँ तक आने की कोशिश करने वाला है निफ्टी। और जो एक अपसाइड में जो और एक लेवल हमारी है 12,138 का है, तो यहाँ पर एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस तो यही है। अभी वीकली चार्ट में तो यहाँ पर कोई एकदम बेरिश नहीं, सिर्फ बड़ी कैंडल हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ये जो इस तरह जो जा रहा है, तो ये तो थोड़ी सी मोमेंट नीचे की तरफ दिखाएगा कि तो, लेकिन डायरेक्टली धड़ाम दिशा एकदम नीचे की तरफ तो नहीं आएगा, बराबर है। तो इतनी जोर से तो मार्केट क्रैश नहीं होगा, तो अगर इसको क्रैश करना है तो हम थोड़ा प्रोजेक्शन, अभी वीकली में तो ये बेरिश कैंडल हमें बताई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और वीकली में सॉरी डेली में देखोगे निफ्टी का, तो यहाँ पर एक जो हमारा जो पिछला रजिस्टर था जो सप्लाई जोन, तो ये कन्वर्ट होके नीचे की तरफ आ गया, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो निफ्टी यहाँ पर कंटिन्यू अपसाइड में जो दहा जा रहा था, तो एक बार इसने इस जोन को आके यहाँ पर टच किया। अभी बैंक निफ्टी का वैसे पैटर्न नहीं बना है, बैंक निफ्टी भी जो ऐसे आपने देखा कि 900 के आसपास आने वाला ही है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर निफ्टी में तो आ गया है। निफ्टी में अभी फिर से एक बार अभी हम थोड़ा वेट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा जोन मार्क हो रहा है। वीकली में तो अभी फिलहाल हमें ये रिजेक्शन जो लेवल है 11,188 का, तो ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर प्राइस एक्शन अभी ये 11,289 का जो सपोर्ट से नीचे की तरफ, और 11,361 तो यहीं तक तो आ गया है। अगर प्राइस एक्शन इसके नीचे जाएगा तभी हमें एक नीचे की तरफ आ सकता है। तो कहाँ तक नीचे आएगा तो हम और एक जोन मार्क करेंगे दोस्तों। अभी ये जोन में किस तरह निकाल रहा हूँ ये आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो हमारा जो सप्लाई जोन क्रिएट होके जो यहाँ पर आ गया, तो इसी जोन को हम मार्क करेंगे। तो ये देखेंगे, इसको मैंने एक बार मार्क किया है, और ये जो ये देखिए अभी ये सपोर्ट कौन सा बन रहा है हमारे ऊपर, ये चार्ट के ऊपर निफ्टी के 11,056 का है, 11,000 के आसपास 11,050 का सपोर्ट है, और जो एक 10,882 का है, ठीक है। अगर इसके नीचे रहेगा तभी हम एक डाउन साइड मोमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर यहाँ तक तो ये सपोर्ट लेके, सपोर्ट तो यहीं पर इसका स्ट्रांग है, तो यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। और जो हमने वीकली जोन में हमारा जो टारगेट था 11,188 का, तो अगर इसको आना है तो ये नीचे भी आ सकता है, फिर से ऊपर भी जा सकता है। अभी यहाँ पर कोई हमें अलर्ट जोन तो नहीं है, अलर्ट जोन मतलब कैसा कि एक बार मैं पिछला चार्ट में थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, जैसे इस तरह जो हमें सिग्नल मिलते हैं तो हम इसको अलर्ट बोलते हैं। अलर्ट के मतलब इस कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तब हमें एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ऐसा भी हमें, और ये जो जोन बनता है दोस्तों, तो ये यही जोन के आसपास ही मार्केट मूवमेंट करता रहता है, और इसको इसके लिए ये जो साइडवेज जोन है तो ये काफ़ी देर तक रहता है। अगर ये ब्रेकआउट करने के बाद जाता है तब एक अपसाइड मूवमेंट बताना मतलब वहीं से शुरू हो जाता है। तो अभी जो मार्केट में आपने देखा दोस्तों कि ये जो कंटिन्यू जो अप ट्रेंड था, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक, और फिर से ये जो थोड़ा चेंज हो गया व्यू हमारा सप्लाई जोन यहाँ से, तो यहीं पर भी अपसाइड में था ना, तो कंटिन्यूसली अगस्त महीने से जो ये जो रैली दिखाई इसने, तो ये तो थोड़ा सा अभी नीचे की तरफ आएगा ही, रेजिस्टेंस भी ब्रेक करेगा तब अपसाइड में चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ये जो डायरेक्शन है साइड में भी दिखाई दे रही है, और जो हमारा जो सपोर्ट है 11,056 का, तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो लोगों दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मैं कुछ ज़्यादा और कुछ आपको लंबा खींचना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों को बहुत बोर लगता है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट के साथ मैं आपको थोड़ी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, ठीक है। और आगे जाके अगर कोई सिग्नल बनता है यहाँ पर, अलर्ट जोन बनता है, तो मैं आपको पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट बताऊंगा कि मार्केट की अभी मोमेंट क्या होने वाली है, ठीक है दोस्तों।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग। 10 मिनट का वीडियो हो गया है।